हेलो फ्रेंड, मैं हूँ विनय शुक्ला। सफलता का मंत्र इस सेक्शन में आज हम बात करेंगे कि जब हमारे सामने नाकामी या असफलता हाथ लगती है तो ऐसी परिस्थितियों में हम कैसे उस समस्या से निपटें, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या हम उसको लेकर बैठे रहें या उसके लिए चिंतन करें, ज़रूरत है इस बात की। तो आइए शुरू करते हैं, इस पर एक प्रकाश डालते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में भैया हम सभी जीतना तो चाहते हैं, क्या हमें से कोई ऐसा है जो हारना चाहता हो? नहीं है। कारण जब हम भी क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं तो जीत की प्रबल संभावना के साथ करते हैं, पर अक्सर कुछ ना कुछ कारण अवश्य बन जाते हैं जब हमें हार का सामना करना पड़ता है। और यार, कोई ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा ही जीतें। जीतना है तो हारना सीखना ही पड़ेगा। मतलब इसका मतलब मेरे ये नहीं है कि आप हारने के लिए कोशिश करना शुरू कर दो, पर जैसे जीत जिंदगी का हिस्सा है वैसे भी ही हार भी जिंदगी का अहम हिस्सा है। फेलियर हमारी ज़िंदगी का दुखद हिस्सा है जिसे हम बदल तो नहीं सकते। और कई बार कहें या अक्सर कहें, मैंने देखा है कि जब फेलियर का सिलसिला शुरू होता है तो लगातार चलता ही रहता है और कई बार इतना बढ़ जाता है कि हमारे हौसले और हिम्मत को तोड़ देता है और लोग अपना खुद से विश्वास खो बैठते हैं। हार या जीत हमारे हाथ में नहीं है, पर हम अपनी हार को कैसे हैंडल करें यह हमारे हाथ में है मेरे दोस्त। आइए सीखते हैं फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हार उतना मायने नहीं रखती जितना यह मायने रखता है कि हम इस हार का सामना कैसे करते हैं। हार का हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? हार हमारी भावनाओं को कुचलकर हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देती है। इस वजह से यह महत्वपूर्ण है कि हम नाकामी को कैसे हैंडल करते हैं। जैसे जीत हमेशा नहीं रहती वैसे ही हार भी हमेशा नहीं रहने वाली। कहते हैं रात के बाद दिन आता है, दुख के बाद सुख आता है। ठीक उसी प्रकार हार भी हमेशा नहीं रहने वाली। इसीलिए जैसे जीत हमेशा नहीं रहती वैसे ही हार भी हमेशा नहीं रहने वाली, पर ज़रूरत है एक ऐसी समझ की जिससे हम उस हार से सबक लेकर जीवन को आगे बढ़कर स्वीकार करें। हम अक्सर अपनी हार को गले से लगाकर उसका मातम मनाते रहते हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। या हार के दबाव में जीत के लिए कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, या फिर अति उत्साही होकर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपनी नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए लगातार एक ही काम को बार बार करते हैं तो उसका परिणाम एक जैसा ही रहता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक शराबी सड़क पर गिरे केले के छिलके को देखकर रुक गया तो एक राहगीर ने उससे पूछा, क्या बात है भाई, क्यों रुके? तो उस केले के छिलके को देखकर बोला उस शराबी ने, लगता है आज फिर फिसलना पड़ेगा। हम भी अपनी ज़िंदगी के में अक्सर यही रवैया अपनाते हैं। हम अपना ध्यान उस शराबी की तरह हमेशा समस्याओं पर लगाए रखते हैं और बार बार गलतियों को दोहराते हैं। नाकामी हमारे हाथ में नहीं है, पर नाकामी को कैसे हैंडल करें ये हमारे हाथ में है। अपने पिछले अनुभव पर नज़र डालिए कि पिछली बार आपके सामने जब ऐसी स्थिति आई थी तो आपने उस हालात का कैसे सामना किया। अक्सर लोग नाकामी के कारणों को नकार कर दोबारा उसी काम में लग जाते हैं और बिना सोचे समझे फिर से वही गलतियां दोहराते हैं जिनकी वजह से पिछली बार नाकामी का सामना करना पड़ा था। या फिर हम अपनी नाकामी का दोष दूसरों पर मारने लगते हैं या हताश होकर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। बात तो सही है, कभी कभी लोग इतने हताश हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन की चपेट में आकर किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे करें इस नाकामी का सामना। असफलता को स्वीकार कीजिए। कहते हैं समस्या का समाधान समस्या में ही छुपा होता है, पर अक्सर ऐसा होता है कि समस्या आने पर हम बकलाहट में नए नए प्रयोग करने लगते हैं। हम नए नए सलाहकार बना लेते हैं। जैसे एक जुआरी जुए में दांव हार जाने पर दोगुना दांव लगाता है ताकि वो पिछले नुकसान की भरपाई कर सके, वो फिर हार जाने पर और बड़ा दांव लगाता है और नतीजा वही रहता है। हम हार की हताशा में बहुत जल्दी जीतना चाहते हैं बिना यह समझे कि हार हमारी ही किसी भूल का। अगर जुआरी पहली बार में ही हार स्वीकार करके पीछे हट जाता तो क्या होता? बाकी के नुकसान और हार की जिल्लत से तो बच जाता। यह बात हमेशा याद रखिए कि हम हमेशा जीतेंगे यह जरूरी नहीं, और हम अपनी सफलता असफलता से कितनी जल्दी सबक लेंगे यही समझदारी है। नाकामी को दिल से नहीं दिमाग से समझें। हर इंसान कामयाब होने के लिए ही कुछ भी काम करता है, पर कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जो नाकामी का कारण बनता है। इसलिए हार को अपनी ज़िंदगी का फेलियर ना मानकर एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। काम करते वक्त भी तो बाधाएं आती हैं,
हम उस इनसे परेशान नहीं होते, क्योंकि हमें उन आने वाली मुश्किलों का अनुमान होता है। पर जब अचानक से सफलता हाथ लगती है तब क्या होता है, हम टूट जाते हैं। हमें टूटने के बजाय खुद को और अच्छे से तैयार करना चाहिए। असफलता के कारणों को खोजिए। सफलता कई सारी चीज़ों का मिश्रण है, जैसे आत्मविश्वास, सही ज्ञान, निरंतरता, सही अनुमान, हालात, सटीक मार्गदर्शन आदि। पर सफल होने के लिए सभी चीज़ें एक अनुपात में होनी जरूरी है। अगर अनुपात बिगड़ा तो परिणाम असफलता के रूप में सामने आता है। असफल होने पर लोग अक्सर दूसरों को दोष देने लगते हैं, लेकिन ऐसा करने की बजाय यार खुद की जिम्मेदारी को स्वीकारें, क्योंकि सफल होने पर सफलता का श्रेय भी आपको ही मिलना था। जब आप सफलता को स्वीकार कर लेते हैं तो आप पर से खुद को जीता हुआ साबित करने का बोझ हट जाता है और आप सही विवेक से असफलता के कारणों का मंथन कर पाते हैं। मेरे हिसाब से आप दोबारा योजना बनाएं और पूरे मन से प्रयास करें। असफलता के कारणों को पहचान कर उनका समाधान ढूंढिए और नए सिरेंट से रणनीति तैयार कीजिए। रणनीति को अच्छे से परखिए, उसे नया लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अगर लक्ष्य बड़ा है तो अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए और एक लक्ष्य को पूरा करते हुए आगे बढ़िए। निरंतर कोशिश कीजिए और सबसे बड़ी बात, आप सही दिशा में कोशिश कीजिए, सफलता अवश्य आपकी होगी। यह कोई नया तरीका नहीं है, असफलताओं से जूझने का शायद हम सभी को इसके बारे में पता हो, पर जब सफलता के काले बादल छाते हैं तो हम सब भूलकर उसी असफलता पर सारा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। फार्मूला यही है, बस जरूरत है कि समय पर आप इसे अपनाएं। किसी महान शायर ने कहा है कि कौन कहता है कि क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। धन्यवाद। इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें, ताकि मैं अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ विनय शुक्ला, सफलता का मंत्र। इस सेक्शन में आज हम बात करेंगे कि जब हमारे सामने नाकामी या असफलता हाथ लगती है तो ऐसी परिस्थितियों में हम कैसे उस समस्या